क्यों रुकना है सालों साल, जब पोजीशन मिले इसी साल। मुमरा में मेन रोड पे 1 BHK 29,99,000 प्लस प्लस में G+7 का गेटेड कम्युनिटी ये कॉम्प्लेक्स है। पोजीशन इसका आपको मिल जाएगा 2024 दिसंबर में। एमिनिटीज की बात करूँ, स्विमिंग पूल, जिम, आपका किड्स प्ले एरिया, सारी चीजें हैं, वर्किंग है किड्स प्ले एरिया। एंड इसके अलावा कुछ आपको क्वेरीज रहेगी या कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप कॉल कर सकते हो। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मोबाइल स्नैचिंग की और चैन स्नैचिंग की घटनाएं जिस तरह से लगातार बढ़ रही हैं, ऐसे में लोग राह चलते हुए भी एक डर के साए में हैं। आज सुबह सुबह एक शख्स की मोबाइल स्नैचिंग की घटना, ये देखेंगे आप, ये कौसा कब्रिस्तान है और इसी से लगकर एक शख्स यहाँ से पैदल जा रहा था और उसकी मोबाइल जो है एक बाइक सवार छीन कर लेकर फरार हो गया है। हमारे साथ मौजूद है जो पुलिस में कंप्लेन भी किए। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीर शेख है। कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ रहता हूँ चांद नगर अम्मार कॉम्प्लेक्स में। कितने बजे का ये पूरा मामला है जो मोबाइल लेकर शख्स आपसे छीन के चला गया है, कैसे हुआ ये पूरा वारदात? भाई ये ना सुबह के फजर बाद का टाइम का 5:15 बज रहे होंगे। मैं यहाँ से निकला था, जा रहा था, मोबाइल यूज़ किया थोड़ी देर के लिए, मोबाइल निकाला था, हाथ में रखा था, मोबाइल यूज़ का मैसेज वगैरह देख रहा था और पीछे से मैं चल रहा था ना, उतने में मेरे पास रोड वगैरह पूरा खाली था तो मेरे पास ना गाड़ी की दम आवाज़ आई, NS गाड़ी थी, गाड़ी की आवाज़ आई तो मैंने ऐसा पीछे मुड़ के जस्ट देखा हूँ कि कौन है। उतने में मेरे हाथ से फ़ोन छीना है भाई और एकदम ना निकल गया फास्ट। मुझे ना रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिला। मैं सोचा कि मुझे लगा कोई मेरा दोस्त होगा, मस्ती कर रहा होगा। एक हाथ में फ़ोन लिया और सीधा तुरंत निकल गया। मुझको 5 सेकंड बाद समझा कि भाई ये तो मेरा फ़ोन चुरा के लेके चले गया और डायरेक्ट वो आगे चले गया। तो मेरे को कुछ समझा नहीं, फिर मैं डायरेक्ट गया घर पे, बताया ऐसा ऐसा हुआ है, फिर हम लोग कंप्लेंट करने निकले। कितने कीमत का मोबाइल रहा होगा, कौन सा मोबाइल? मैंने MI 10i मेरा फ़ोन था, जब लिया था तो 24,000 का फ़ोन था। 24,000 का। पुलिस में कंप्लेंट? हाँ, अब भी बस मैं कंप्लेंट करके आया हूँ, पेपर है मेरे पास, वहाँ पर कंप्लेंट करके आया हूँ। तो CCTV फुटेज इधर का चेक किए कि कहीं दुकानों में CCTV लगी हो तो उसमें अगर उसकी तस्वीर वगैरह कैद हुई हो? भाई देखो, तस्वीर तो उसके चेहरा तो आना मुश्किल है, पूरा हेलमेट पहना था उसने। बाकी हम लोग ने कैमरा देखे है बट कैमरे का रुख सब उस तरफ है तो देखते हैं, अभी बात होगी शाम तक, वहाँ वाले लोग से बात हुई, अभी तक कुछ पक्का पता नहीं चला है। कैमरे की फुटेज ऐसा कुछ मिली नहीं अभी तक, सबकी अपनी अपनी पर्सनल कैमरा है, अभी देखेंगे बात करके। आप बात करते हुए जा रहे थे ना? नहीं, यूज़ कर रहा था फ़ोन, हाथ में था, फ़ोन नहीं चला रहा था। हाँ, चलाते हुए जा रहा था, मैसेज वगैरह देख रहा था, फ़ोन पे बात नहीं कर रहा था अचानक से। हाँ, मेरे को रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिला भाई, और मैं और पूरा सन्नाटा, ना मेरे साथ कोई था, मैं अकेला जा रहा था और यहीं पे खाने जा रहा था मैं, सुबह का टाइम था, उतने में वो लेके चले गया, ना मैं कुछ है, आसपास भी कोई लोग भी नहीं थे, पूरा रास्ता खाली और गाड़ियाँ भी कोई नहीं थी, और सुबह के वक्त थोड़ा सुबह का, हाँ, सुनसान रास्ता था, उतने में वो लेके चले गया।